ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो में मैं आपको अपनी जो सिल्क अबाया कलेक्शन है वो दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो अपना सिल्क का अबाया कलर दिखाने लगी हूँ, ठीक है, वो है मैरून कलर की सिल्क। 500 रुपीज़ का ये सूट मिलता था उस ज़माने में, मतलब, लेकिन अब जो है ये 600-700 का हो गया। तो ये मेरा सिल्क का अबाया मैरून कलर में, ये देखिए। अच्छा, इसका मैंने क्या किया कि ये मैंने इसके बाजू इस टाइप से बनवाए, इस टाइप से मैंने इसके बाजू बनवाए थे। मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। इसके बाजू ये मैंने ऐसे बाजू बनवाए थे इसके, ये तरीका था, ये स्टाइल के बाजू मैंने इसके बनवाए थे। और ये बहुत ही अच्छे स्टाइल के बाजू लग रहे थे, तो ये मैंने इसके बाजू बनवाए थे। ये मेरे ख्याल से 500-600 का सूट मिलता था। तो अभी 2020 में मैंने तो नहीं बनवाए क्योंकि लॉकडाउन ही था, तो मैंने ये अलबत्ता ये खुद सिलाई किए, ठीक है। पीछे से देखें, ये मैंने खुद सिलाई किया, खुद से मैंने इसको जो है कटिंग किया, सब कुछ मैंने खुद किया। और बनवाने का मतलब बाजू बनवाए इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये बाजू ये वाली जो थी ये मैं कपड़ा लेकर आई थी, तो ये मेरे से बन नहीं रहे थे। तो मैंने अपने टेलर को दिए कि तुम मुझे बना के दो। तो ये इसके नीचे आप देखिए, मैंने इसके नीचे ये बेबी पीको जो होती है वो करवाई हुई है, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि जी इसके साथ दुपट्टा कौन सा है। इसके साथ मैंने आपको अपने जो वेडिंग ड्रेसेस की जो मैंने रेंज दिखाई थी हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले, उनके साथ का ये मेरा चीज सूट का साजे दुपट्टा था, तो वो दुपट्टा मैंने इसके साथ डाल दिया। ये देखिए, ये मेरा दुपट्टा था उस सूट का। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो देखें, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है मैंने, तो वो वाली वीडियो भी देख लें आप मेरी, जिसके अंदर इस वाले सूट की जो है वो शर्ट और पजामा मैंने दिखाया हुआ। तो ये मैंने जो है इस के साथ में जो है मैंने ये अबाया था, और ये इसके साथ दुपट्टा मैंने किया था मैच, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अबाया जो है मेरा, अभी बहुत सारे अबाया मैं खुद ही बनाती हूँ, तो ये भी मेरी सिल्क के जो मैं अक्सर शादियों में जाती हूँ तो मैं अबायाज ही पहनती हूँ। कभी कभार ये होता है कि मैं जो है ना वो कपड़े पहनती हूँ, तो ये मैंने अबाया बनाया था। ये देखिए, इसके मैंने टाइट से स्लीव्स दिए थे, ठीक है। ये देखिए आप, बाजू इसके देखिए, बाजू में आपको इसके भी पहन के दिखा देती हूँ। मैंने इसके यूं करके टाइट से थोड़े प्रिंसेस टाइप जो थे वो गन स्लीव्स टाइप मैंने इसके बाजू बनाए थे इस तरह से, ठीक है। बाजू के आगे मैंने ये वाली जो मोती लेस होती है मोती पीको वो करवाई थी, यही वाली पीको मैंने इसके नीचे भी दामन में करवाई, मतलब जो इसका आगे जो नीचे था उसमें मैंने ये वाली पीको करवाई थी। ये देखें कितना खूबसूरत लगा। अब आप पूछेंगे कि इसके साथ कौन सा दुपट्टा है। इसके साथ मैंने अपने जो सूट दिखाए थे आपको, मैं फिर बता रही हूँ कि मैंने अपनी वेडिंग ड्रेसेस के जो सूट दिखाए थे वो, उनके साथ के ये दुपट्टा था, ये उस सूट का दुपट्टा है जो मैं इस अबाई के साथ पहनती हूँ। ये देखें, देख सकते हैं आप, इसके ऊपर भी जो है ये मोती लगे हुए, मोती सी कढ़ाई हुई हुई है। तो मेरा मतलब मेन मकसद ये है कि आप अपने इन अबायास के साथ जो है कोई भी अपना फैंसी ड्रेस का जो होता है, फैंसी ड्रेस का जो दुपट्टा होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको अपना जो कि है ये टी पिंक कलर, इसके भी बाजू मैंने जैसे ब्लैक वो लगवा के तो ऐसे बनवाए थे। ये मेरा बॉय है,
इसके नीचे भी मैंने वही वाली पीको करवाई हुई है, ठीक है। और इसके ये बाजू जो है मैंने जो है इस टाइप से बनवाए थे, ये देखें। इसके बाजू मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे, पता नहीं अब आप लोगों को लगते हैं नहीं। ये इसका डिज़ाइन थोड़ा ही कुछ यूं था इस बाजू का, ठीक है, इस तरह से इसका डिज़ाइन था, ठीक हो गया। अब आप पूछेंगे कि मैं अपने इस वाले अबाया के साथ जो है वो कौन सा दुपट्टा मैच करती हूँ, तो मैं इसका भी आपको यही बताऊँगी कि मेरे पास ये सूट था, मैंने इन सब सूटों की मैंने ना डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है वो क्या कहते हैं वीडियो, ठीक है, तो वो आप देख लेना। तो ये इस अबाया के साथ मैं ये वाला दुपट्टा यूज़ करती हूँ, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है, ये देखिए। अच्छा, नेक्स्ट मेरा अबाया जो है वो है ये, एंड दिस इज़ माई फेवरेट अबाया, ठीक है। इसके अंदर प्लच्छी की शर्ट थी मेरी, ये बहुत पुराने ज़माने की मेरी नानी की शर्ट थी, ठीक है, जिसको मैंने इस तरह से इस्तेमाल करा के तो अपने अबाया के साथ लगाती है। इसके बाजू मैंने इस तरह के बनाए हैं, ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, देखिए। ये देखें, यूँ मैंने इसके बाजू बनाए हैं। पेटी भी मैंने इसकी प्लच्छी की ही बनवाई थी, ये देखिए, ठीक है। इसकी भी नीचे मैंने यही पीको करवाई हुई है, और इसके साथ जो मेरी दुपट्टे की ऑप्शन थी ना वो दो थी, ठीक है। तो एक तो मैंने ये दुपट्टे की ऑप्शन रखी थी, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा इसके साथ मैच नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी ये इसके साथ अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था क्योंकि इसका रंग मुझे जो रंगने वाले ने ख़राब सी दिया था, ठीक है। तो फिर मैंने, मेरा एक सिल्क का सूट है, ठीक है, सिल्क का मेरा कसूर था, तो उसके साथ ये दुपट्टा था, देखिए इसको भी उसी तरह से ये पाइपिंग लगी हुई है अंदर, इसी कलर की पाइपिंग लगी हुई है, ये देखिए। और ये इस सोया बाया के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, ये इसके अंदर मैरून कलर की पाइपिंग लगी है जो सिल्क के साथ मैच कर रही है, मैरून पाइपिंग, ठीक है। और जो ये वाला कलर है ये इसकी इस कलर के साथ मैच कर रहा है, ये बहुत ही, ये वाली सिल्क पाइपिंग जो है ये इसके साथ मैच कर रही है, और ये कलर जो है ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये मेरा बहुत अच्छा अबाया। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने इन दुपट्टों के सूट भी देखने हैं तो फिर आप तब आपने अगर हाँ इसके सूट भी देखने हैं तो तब आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वीडियो डाली हुई है उस पर जाके आप मेरे सूट देख सकते हैं, ये वाले सारे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।